मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम सुबह नाश्ता बना रहे, तो आज रोटी नहीं बना रहे, आज हम बना रहे चिल्ला। रोज रोटी नहीं बनाते, टिफिन में देते हैं चूल्हों को। चलिए रोटी बनाते हैं। अभी रिचुअल छूट गया, रेडी हो रहा हूँ तो मैं, नाश्ता ही बन जाएगा। वेलकम बैक। तो अंशु लोग स्कूल से आ गया बट टिफिन नहीं खाया है, तो अंशु का टिफिन कैसे ही है। और इशू है टिफिन भी वैसे ही है, कल से उन लोगों को हम टिफिन बना के नहीं देंगे। तुम लंच क्यों नहीं खाए थे आज? मतलब स्कूल में थोड़ा लेट हो गया था। कितना मैंने से हम सुबह उठ के बना के देते हैं और लंच नहीं करते। लेट हो गया था तो ठीक है, आज अंशु सॉरी बोला है तो आज अंशु को छोड़ देते हैं। कल से अंशु टिफिन खत्म कर देंगे। कल सैटरडे है, आज कल टिफिन मतलब कल सैटरडे है। हाँ कल फ्राइडे ना है, आज फ्राइडे है ना। ओ हाँ कल सैटरडे है, कल तो टिफिन लेने का होता नहीं, तो कल टिफिन नहीं देंगे। लेकिन अंशु बोला कि अब खाएगा तो मंडे से बना के देंगे। ठीक है, तो अंशु स्टडी कर रहा है और रिशु ट्यूशन गया, तो आएगा तो उसको डांटेंगे। और यह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा ये ब्रेड भी रखा हुआ, हम सुबह में सेके थे तो फिर खाए नहीं हम। दूध गर्म करते हैं फिर खाना बनाते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, हम बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं जा रहे, तो अभी बरसात भी, शाम को बरसात हो जाता है और कोई लेके भी नहीं जाता है, तो अभी बहुत दिन से नहीं जा रहे। तो रोटी बन रहा मेरा, जल्दी बन जाएगा। तो ये रोटी मेरा बन गया और ये है मेरा सब्जी। तो आज हम बरबट्टी का सब्जी बनाए, थोड़ा सा ही बनाए हैं क्योंकि अंशु लोग अभी कुछ खा लेता है ना शाम को, तो फिर रात को लोग खाता नहीं अच्छा से। तो आलू बरबट्टी का सब्जी और रोटी, क्योंकि हम जाएंगे मार्केट अपने भैया लोग राखी लेने। तो चलिए पटाख से बना लेते हैं, फिर पटाख से रेडी होते फिर पटाख से जाते हैं। तो खाना बना के अब रेडी हो गए, जाते हैं अंशु के साथ। बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए, शाम को बरसात आ जाता है तो अंशु के साथ जा रहे हैं। मेरे भैया के लिए राखी लाना है, तो एक मेरे भैया के लिए राखी लेंगे और अंशु को कुछ खाना है तो अंशु को कुछ खिला देंगे, फिर आ जाएंगे। रिशु घर पे आ गया है, उसको बहुत डांटे टिफिन के लिए, तभी रिशु अभी अपना लंच ख़त्म किया है, अभी आएंगे तो उसको खाना देंगे। चलो अंशु कहाँ है? ठीक है अंशु भी रेडी हो गया। अरे अरे मेरे ऋषि, ये मेरा कूल बॉय, बहुत प्यारा बेटा है ऋषि, लेकिन लंबा हो गया, तुम हटा हमको ऐसे करना पड़ता है। लंबा नहीं है क्या? आप ऐसे थोड़ी ना होंगे, हम इतने भी छोटे नहीं है समझे, बहुत छोटे हैं। बात करी मेरे मुंह उठाना पड़ रहा है। तो चले चलते हैं, तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? जो मोमोज ला देंगे ऋषि का फेवरेट, मोमोज ला देंगे। जाने दो हमको, लेट हो जाएगा। ये पैसा रख लीजिए, तो रिशु लाना, मम्मी का अपना सारा पैसा मम्मी को देते हैं। रिशु बहुत जमा करता है पैसा, रिशु को भी देता है ना पैसा तो वो जमा कर देता है, और रिशु हमको देता है। अंशु भी देता है पर अंशु ले लेता है, रिशु मेरे को देता है पैसा, कोई देता है ना उसके पापा दादाजी दादी, तो रिशु हमको दे देता है। चल बाबू, ये मार्केट बहुत अंधेरा है, यहाँ पे अंधेरे ही रहता है। बाजार में बहुत भीड़ है ना बाबू, आज बरसात नहीं हो रहा ना उस लिए रक्षाबंधन क्या चाहिए, रक्षाबंधन। हाँ तो हम राखी लेने ही तो जा रहे हैं। ये भाभी राखी दिखाइए ना, लाल वैसे हो गए ना, हाँ ना की सस्ते में ना, रुक तो ना
हाँ जो इसे क्या प्राइस है? ना जाने वो दिखाई वो तो बोल ला बिट्टी का बोल इसे क्या प्राइस है? देखना पड़ेगा कल का जवाब खुलो। हमको ये भी अच्छा लग रहा है ब्लू वाला। ब्लू वाला में ये जो है ना येलो डिजाइन अच्छा लग रहा है। तो भाभी का है ना? अरे भाभी का इसीलिए बोल रहा हूँ, येलो थोड़ा मंगलसूत्र जैसा लग रहा है। अच्छा और देखते हैं ये एक अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़े लुक के लिए लग रहा है, कुछ बच्चे लोग जैसा लग रहा है। लेकिन बहुत पीला पीला नहीं हो जा रहा बेटा? बढ़िया है, ठीक है। क्या ये कैसा लग रहा है? हमको ही अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा राखी ना अच्छी धागा में ही बंधा था तो अच्छा लग रहा है। पर हम तो ये बोल रहे हैं ना, मतलब इसका डिजाइन अच्छा है। तो बहुत पीला पीला लग रहा है, लग रहा है ये अच्छा लग रहा है। हाँ ले लीजिए। कितना पैसा? एक और हम लोग अच्छा लग रहा है, ये तो मिल गया। ले जाते हैं ये वाला और एक चीज़ ये पैसा मुझे और बढ़िया। हमसे तो नहीं पसंद आ रहा, पसंद है मतलब बहुत सारा है ना। तो ये अंशु को पसंद आया, अंशु के लिए ले लेते हैं। भैया एक और दे दीजिए वाला, देखा में भी ठीक लगेगा। एक और हम ये नहीं ये वाला हम लोग ये दो ठो लिए हैं, एक ये मेरा, अरे ये एक अंशु का है, ये एक मेरी भाभी का। थैंक यू, अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। हम अपने लिए पहली बार चूज़ कर रहे हैं। अंशु अपने लिए राखी अपने पसंद कर रहा है। ये है और अंशु अपने दादा दादी के लिए दवा लेने गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भीड़ है बहुत। अभी अंशु खड़ा है, फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग, मोमोज खाएगा अंशु, उसके बाद घर जाएंगे। अब हमने दवा ले ली है, अब हम और अंशु जा रहे हैं मोमोज खाने। मोमोज ले रहा है खड़ा होके, क्रेजी मोमो। ये हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं घर ना बाबू, घर जा रहे हैं ना। ये लाइट सब हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे रोड पर लगा रहता है। तो ये है यहाँ का कॉलेज, खोल। कुछ प्रोडक्टिव कर रहा था। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, पढ़ रहे थे। देखो तुम्हारे स्प्राइट ला दिए। तुम्हारे मोमोज भी ला दिए हैं, स्प्राइट भी ला दिए। मेरा राखी है, राखी। घर आ गए हैं, ऋषु को मोमोज दे दिए, उसको स्प्राइट दे दिया, और हम अपना इतना सुंदर सा राखी लेके आए हैं, बहुत सुंदर सा। तो ये देखिए कितना सुंदर है, ये अंशु के लिए है, और ये है मेरे भैया भाभी के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ऋषु। बहुत खोजने के बाद मिला, बहुत बहुत भीड़ था बाजार में आज, तो फाइनली हमको अच्छा राखी मिल गया है। और अगर कल परसों जाते हैं तो ये सब राखी भी नहीं मिलता, फिर कलेक्शन ही नहीं रहता है यहाँ पे। तो इसलिए हम अभी राखी ले आए और अब जा रहे हैं, रात हो गया, अब जा रहे हैं खाना खाने, फिर खाना खा के सो जाएंगे। फिर सुबह अंशुलों का स्कूल है ना, कल स्कूल तो फिर अंशुलों का कल स्कूल है, टेस्टी है। अच्छा अभी टेस्ट चल रहा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा अंशुलों का। तो हम जाएंगे अपने मायके और अंशुलों जाएंगे अपने फुआ के यहाँ, है ना। अभी मेरी प्लानिंग हुआ नहीं कौन कैसे करेंगे, तो वो आपको राखी के दिन पता चलेगी कौन कहाँ जा रहा है। सब अलग अलग रूप में रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है। अच्छा ये देखिए आज टिम्मी, आज सुबह से टिम्मी दिखी नहीं ब्लॉग में। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं। प्लीज मेरे को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।